हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक भर्ती की जो असिस्टेंट टीचर की जो रिक्रूटमेंट अभी होनी है, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भरे जा रहे हैं। आप लोग अपनी ग्रेजुएशन और अपने बीएड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है चूज़ करिए उसको और फॉर्म को भर लीजिए। और जिस तरह से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज जो है, इसकी वीडियो एक मैं जो आपको अपलोड करने वाला हूँ उसको देख लीजिए, किस सब्जेक्ट में कितनी है, मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग, जैसे हिंदी में है कितनी मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स के लिए वैकेंसीज है, इस तरह से जो है मैं एक वीडियो जो है अपलोड करूँगा उसको भी देख लीजिए। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के पेपर के। दो पैटर्न है पेपर का, पैटर्न मैं बता चुका हूँ, जिसमें कि एक जीएस का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और मेन सब्जेक्ट होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर है आपका। कट ऑफ के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, कितनी कट ऑफ जाने वाली है वो वीडियो भी देख लीजिए। और हम बात करेंगे जो 30 नंबर का पेपर होने वाला है, पहला पेपर जिसमें कि पहला भाग जो है पेपर का, जिसमें कि 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज़ के। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन सभी के लिए कॉमन है, ये देना ही पड़ेगा सबको। और बाकी आपका मेन सब्जेक्ट रहेंगे 120 क्वेश्चन जिसके होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपसे निवेदन है कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाल रंग का बटन होगा वीडियो के नीचे उसको प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, उसके बगल में घंटी होगी। दोस्तों आप जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके अपना नंबर भेजेंगे मुझे और अपना नाम भेजेंगे। आप वीडियो के कमेंट में अपने नंबर बिल्कुल भी ना लिखें, गर्ल्स वगैरह कोई नहीं लिखेगा, गर्ल्स बॉय अपने जो है वीडियो के कमेंट में नंबर नहीं लिखेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, वहाँ पर देखिए, वहाँ ज्वाइन मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना नंबर मैसेज कीजिए, तब मैं ग्रुप में आपको ऐड करूँगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको बता चुका हूँ मैं, जनरल स्टडीज़ का ये पेपर है, इसमें जिसका एक भाग जो है 30 प्रश्न है सामान्य अध्ययन के, उसमें मुख्य परीक्षा मुख्य विषय के जो है आपके 120 प्रश्न है, 2 घंटे का समय है, 150 नंबर का पेपर है। और उसमें हम जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देख लेते हैं अभी, इनके अलग अलग सिलेबस की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देखते हैं जो कॉमन होने वाला है सभी के लिए। तो आप यहाँ से जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको सेव कर सकते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है। लेकिन आप इनको तैयारी करने के लिए आपको ये रखना पड़ेगा अपने पास में, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, अभी समय है, तैयारी हो जाएगी। और जनरल स्टडीज़ की क्लासेस जो है मैं अब जो है इसके बाद में जनरल स्टडीज़ की एक वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा जिनमें कि सारे सब्जेक्ट जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उन सब का डिस्कशन रहेगा, उन सब के टॉपिक्स। पहला जिसमें कि सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए मैं आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, इसके हिंदी में ही आपको समझाऊँगा वीडियो के अंदर, अपनी लेसन्स के अंदर। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में संबंध, ठीक है, ये जो है इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा है। इसमें इंडियन हिस्ट्री में भी क्या है, सोशल है, इकोनॉमिक है, और उनके जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स हैं वो रखने हैं उस वक्त के, तो थोड़ा 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 देख लेंगे इन सब में से हम। भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ओवरव्यू उसका हम देख लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है आपसे ऐसे हैं हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में जो मैं आपको कराऊंगा सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, बहुत ईजिली आप उनको कर लेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ में। भारतीय राजनीति एवं शासन संबंधी, देखिए ये पॉलिटी की बात कर रहा है, पॉलिटी में भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ाऊंगा इसको। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ये इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय सामयिक घटना, ये जो करंट अफेयर्स हैं अभी, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। भारतीय कृषि में भी पूछा है, इसमें भारत में कृषि उत्पाद सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, जीएस का जितना भी सब्जेक्ट यहाँ होने वाले हैं आपके। भारतीय अर्थव्यवस्था 4थे नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, ये बात कर रहा है। इकोनॉमिक्स की, इसमें भी पर्यावरण और जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, देखिए अभी जो डेमोग्राफी यानी जो भारत की जनगणना 2011 की हुई है उससे क्वेश्चन आएंगे, नगरीकरण से क्वेश्चन आएंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं, मैं सारे के सारे आपको करा दूंगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं घटना, ये हो चुका है। सामान्य विज्ञान, अब देखिए विज्ञान में 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आ जाएगा उसमें से ही, ठीक है, जो आपके जनरल डेली के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, दैनिक अनुभव के क्वेश्चन जो होते हैं आपके विज्ञान के वो डिस्कस करेंगे यहाँ। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक का गणित है, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित सबको कर लेंगे बिल्कुल ईजिली, आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ बने रहिए। और जो भी ये वीडियोस, जो भी लेसन्स मैं क्रिएट करूँगा, अपने फ्रेंड्स जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए, उनको भी बताइए कि ये आप यहाँ से टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर आकर तैयारी कर सकते हैं इसकी ईजिली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू।